नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज़। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। देखिए, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विजयादशमी की पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे बिहारवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। इससे पहले जो नीतीश कुमार हैं वो लगातार माँ की भक्ति में लीन दिखे, लेकिन आपको विजयादशमी के मौके पर जो उन्होंने बधाई दी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया और ट्वीट करके विजयादशमी की प्रदेशवासियों को, बिहारवासियों को बधाई दी। क्या कुछ लिखा है नीतीश कुमार ने वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए क्या लिखा है नीतीश कुमार ने। विजयादशमी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये हमारे जीवन में संयम एवं आत्मिक बल का संचरण करने वाला पर्व है। इस पर्व को सद्भाव, भाईचारे एवं शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो ये नीतीश कुमार ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करके पूरे प्रदेशवासी, बिहारवासियों को ये एक संदेश दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि जब से माँ का पट खुला था उस समय से ही जो नीतीश कुमार हैं वो लगातार पंडाल पहुँच रहे थे, मंदिर पहुँच रहे थे। सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा के लिए वो पंडाल पहुँचे। पंडाल में उन्होंने माँ भगवती की पूजा की, अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए उन्नति की दुआ मांगी, प्रदेशवासियों में सुख समृद्धि की दुआ मांगी। उसके बाद से अगले दिन अष्टमी को भी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए वो मंदिर में पहुंच गए थे और मंदिर में माँ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद पूरे प्रदेशवासियों के लिए शुभकामनाएं और उनके हर्षोल्लास से मनाने के लिए जो नवरात्रि है उसके लिए भी दुआ मांगी, साथ ही साथ और सुख समृद्धि की भी उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए कामना की। तो लगातार नीतीश कुमार जो हैं वो प्रदेशवासियों के लिए कामनाएं कर रहे हैं और अब जो है वो विजयादशमी के मौके पर भी उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। लगातार नीतीश कुमार जो है 2024 के इलेक्शन को लेकर भी बहुत भक्तिमय दिख रहे हैं। उनका मानना है कि माँ की कृपा से 2024 का जो इलेक्शन है वो कहीं नहीं जाएगा उनके हाथ से और कहीं ना कहीं वो 2024 का जो इलेक्शन है वो उसमें विजयी होंगे माँ भगवती कृपा से। तो ये था नीतीश कुमार का ट्वीट जो उन्होंने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई दी है। आप देखते ही द एसडी न्यूज़। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।